रोटी शाउट करके दिखाने लगा हूँ। वो आ रही है, जो देगी जो तैयार होता है ना, मटन की भी बहुत जल्दी दूंगा आपके आता है सर्विस पे, ये बात आपके जहन में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फोर्ट आरआर से। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बीफ स्टू किस तरीके से तैयार होता है मैं आज बताने लगा हूं, मटन स्टू किस तरीके से तैयार होता है बहुत जल्द बताऊँगा। शादियों का फेमस डिश है ये, शादियों पे बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं बनाते हैं, लेकिन ये रेस्टोरेंट की तरफ अभी कम है, कम रेस्टोरेंट पे ये मिलती है, मिल जाती है बड़े शहरों में, बड़े सिटी जो है वहाँ पे ये मिल जाती है, लेकिन छोटे शहरों में ये अभी तक फेमस नहीं हुई। लेकिन आप घर में बनाए बकरा ईद को लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह आपने खैरियत से बकरा ईद गुजार ली होगी, उसकी डिशें देने लगा हूँ, तवज्जो से देखिएगा। ये एक पीस 1 kg का मैंने बोनलेस का ले लिया, इसको इस तरीके से ऊपर देखें, ये हल्की हल्की ये चर्बी भी है, रवाज भी हम इसको कहते हैं, चर्बी उतार के इस तरह थोड़ा थोड़ा इस देखें इस कंडीशन में है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इस तरह काटें। इसकी स्टू जो है, इसकी बोटी जो है वो छोटी होती है, कुछ लोग इसको हड्डी के साथ भी बनाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टू बगैर हड्डी से जो है ना वो अच्छा लगता है और टेस्टफुल होता है। ये स्टू की बोटी का साइज़ होता है, जो जिन लोगों ने खाया हुआ होगा या जिन्होंने इस्तेमाल किया होगा उनको पता होगा। ये देखें इस साइज़ की बोटियाँ होती हैं स्टू में, ये देखें ये साइज़ होता है, ये देखें। ये मैं सारी साइज़ की बना लूं फिर उसके बाद आपसे मिलता हूं। ये लें जी, स्टू तैयार करने के लिए प्रेशर कुकर ऊपर चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पे, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊँगा, जो लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना नहीं जानते या जिनके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो वो किस तरीके से तैयार करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। ये देखें 1 किलो ये जो हमने स्टू की बोनलेस काटी थी ये इसमें शामिल कर दें। ये तकरीबन मेरे पास 3 अदर टमाटर हैं इस साइज के, अगर वजन में देखा जाए तो 150 ग्राम बनते हैं। ये इनको इस तरीके से बड़े बड़े पीस करके इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 3 टमाटर हैं बस, ये देखें ये शामिल कर दिया ऐसे इसमें, ये देखें। ये 1 प्याज है मेरे पास इस साइज का, ये 1 प्याज है बस, ये इसमें डाल लूं मैं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये मेरे पास लहसुन है, 7 जवे हैं लहसुन के, ये शामिल करते हैं। साबित ही दब दो, 1/2 टेबल स्पून नमक ये अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दो, हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल कर दो, पानी 1/2 किलो का मक्का है, ये 1/2 kg पानी शामिल करते हैं, शामिल कर दिया, इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। टमाटर में भी पानी है, प्याज भी पानी छोड़ता है, गोश्त में भी पानी होता है। 1/2 किलो पानी मैंने शामिल किया, इसके ऊपर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें, ये देखें ये लॉक वाला है, यहाँ पे सेफ्टी पूरी तरह है कुकर की, अगर मैं आपको बता सकूँ तो कैमरामैन दिखा सके। ये सेफ्टी, यहाँ से एक सुराख है सेफ्टी, अगर ये कहीं से भी प्रेशर लीक करता है तो यहाँ से ये प्रेशर को निकालना शुरू कर देती है, अगर ये बंद हो जाए, ये बंद हो जाए, ये बंद हो जाए हमारी सिटी, तो ये यहाँ से निकालना शुरू कर देती है प्रेशर को, रिमूव करना शुरू कर देती है, सेफ्टी के लिए यहाँ पे कमर्शियल लेवल पे। इसको बंद कर दें, अब इसको मैं 12 मिनट के लिए चलाने लगा हूँ। 12 मिनट में किसको गिनूंगा, बोटी छोटी है, बोटी बड़ी होती तो मैं 15 से 18 मिनट लगाता, 12 मिनट लगाने लगा हूँ, फ्लेम ऑन करूंगा, 3 मिनट तक इसकी विसल चलेगी, इसके अंदर स्टीम तैयार होती है 3 मिनट में, 3 मिनट के बाद विसल चलनी शुरू हो जाएगी, विसल चलने के बाद 12 मिनट में गिनता हूँ, ये बात ध्यान में रहे। जो लोग प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे वो 30 मिनट इसको देखिए पे इसी तरह डाल के 30 मिनट के लिए चूल्हे पे छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, ओके। अब मैं आपको 12 मिनट के बाद मिलूंगा। ये व्यूअर, हमारा टाइम कंप्लीट हो गया, स्टीम इसकी हमने रिमूव कर दी, इसको खोलने लगे हैं, ये इसकी कंडीशन है, देख लें, इसको हिला लें, हिला के कढ़ाई में शिफ्ट कर दें, ये थोड़ा सा जो इसका पानी है ना, अगर आप उसमें बना रहे हैं ना बगैर प्रेशर कुकर के तो फिर आपको 1.5 किलो पानी डालना होगा, ये बात जहन में रहे आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आँच तेज करके मैं इसका पानी खुश कर लूँ और जो ये टमाटरों की स्किन वगैरह इसको रिमूव कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। नहीं, थोड़ा सा पानी खुश कर लिया, जितना आप ग्रेवी चाहते हैं उतना कर लें, मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए, मैंने इसको इस तरीके से हल्का हल्का पानी खुश कर लिया। ये मेरे पास सुरख मिर्चें हैं 10 से 12 साबित वाली, ये इसकी जान है, ये इसमें जाएंगी,
इसमें शामिल कर दें। ये मेरे पास आयल है, तकरीबन 150 ग्राम आयल हम इसमें डालने लगे हैं और इसके अच्छे तरीके से भुनाई कर लें, तकरीबन 3 मिनट इसकी भुनाई कर लें। 3 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 3 मिनट भुनाई करने के बाद आपने कूटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून शामिल कर दें, ये जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें, इसके बीच लाल मिर्च नहीं तब देनी है, वाइट पेपर सफेद मिर्च 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें और इसको 2 मिनट के लिए मिक्स करके अच्छे तरीके से मिसालों के साथ भून लें। 2 मिनट के बाद मिलता हूँ। चले व्यूअर, ये 2 मिनट भुनाई करने के बाद फ्लेम को स्लो कर दें, बहुत ज़्यादा स्लो, 100 ग्राम दही है, स्लो फ्लेम करके वाइट चीज़ शामिल होगी, ध्यान में रहे, 100 ग्राम दही शामिल कर दें और इसको 1 से 2 मिनट स्लो आंच पे पकने दें, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, कमाल की, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टू है वो कंप्लीट तैयार हो चुका है। ये इसकी फाइनल लुक जो है ना वो मैंने आपको दिखा दी इस तरीके से। आप अगर इसको मज़ीद खुश करना चाहते हैं, ग्रेवी नहीं रखना चाहते तो इसकी आँच खोल के इसको मज़ीद खुश कर लें, लेकिन ये थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड सा होता है, हल्का सा। अब फ्लेम को बंद करने लगे हैं, ये देखें फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, ये मैं प्लेट में आपको इसको डिश आउट करके दिखाने लगा हूँ। सुभान अल्लाह, कमाल की खुशबू आ रही है, कमाल का टेस्ट है। इंशाल्लाह जो देगी जो तैयार होता है ना स्टू, उसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी दूंगा, मटन की भी बहुत जल्दी दूंगा, आप टेंशन ना लिया करें। जितनी भी रेसिपियाँ हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये धनिया नहीं दाब देना, गार्निश के लिए अदरक जाता है सिर्फ इस पर, ये बात आपके जहन में रहे। इतनी प्लेट है तो 200 रुपये की होगी, जो रेस्टोरेंट पर अगर कोई बनाना चाहते हैं तो ये जो मैंने डाला ये 200 रुपये का होगा, इतनी प्लेट होगी। और एक केजी में से मैंने आपको पहले बताया 6 से 7 प्लेटें 8 प्लेटें निकलती हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके सवालात हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कुकिंग से रिलेटेड, जो लोग कारोबार कर रहे हैं, फ्रोजन का काम कर रहे हैं, देसी का कर रहे हैं, फास्ट, जितनी भी प्रॉब्लमें आपको आ रही हैं उस काम को लेकर के, प्रॉफिट नहीं हो रही, बचत नहीं हो रही, किस तरीके से ज़रब तकसीम करेंगे, परचेजिंग कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, मुकम्मल मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो देने वाला हूँ। आपके जो भी सवालात हैं नीचे मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं खुद रीड करूंगा, खुद पढ़ूंगा, राइट डाउन करूंगा, कॉपी पर लिखूंगा, उसका जवाब आपको मिलेगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। वीडियो की शक्ल में मैं अपने ही चैनल पे वीडियो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, मुकम्मल गाइड करूंगा जो जो प्रॉब्लम है आपको आ रही हैं, चावलों के हवाले से जो प्रॉब्लम आ रही हैं या फूड से रिलेटेड कोई भी मसले हैं, मैं तमाम के जवाब आप लोगों को देने के लिए तैयार हूं। बहुत जल्द वीडियो आपको मिल जाएगी। हमारे ये 2 ही चैनल हैं, बाबा फूड RRC, बाबा फन RRC। इसके अलावा अगर कोई चैनल है या किसी ने बनाया हुआ है तो वो फेक है। हमारे ये 2 ही चैनल हैं कमर्शियल, और इसी पे हम आपको तमाम मालूमात इन्हीं चैनल दो चैनलों पे आपको दिया करेंगे। अगर आपको हमारी ये बीफ स्टू की वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।